Hi all, welcome back. So we are done with inclusions in the value of supply, and now we'll start with exclusions from the value of supply. तो value of supply calculate करते time किन किन चीजों को exclude करना है वो हम इस lecture में सीखेंगे, और ये खत्म करने के बाद we will look at some numericals कि value of supply को calculate कैसे करना है, ठीक है, जिससे आपको concept का overall better clarity आएगी, ठीक है. So exclusions of the value of supply में we exclude discounts, ठीक है, मतलब कैसे, if I am supplier of goods और मैं goods supply करते time कोई discount देता हूं, ठीक है, discounts given at the time of supply or before the supply plus they are shown in the invoice, मतलब मैंने किसी को 100 रुपए के goods supply किए और supply करते time मैंने 10 रुपए डिस्काउंट दिया और वो मैंने इनवॉइस में मेंशन किया, ठीक है, दिस इज डिस्काउंट, दिस इज बेसिक वैल्यू, तो मेरा नेट वैल्यू कितना हुआ, 90. इस 90 पे क्या लगेगा, जीएसटी, मतलब वी एक्सक्लूडेड दिस 10 रुपीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई और उसके बाद जो वैल्यू आया 90 रुपीज उस पर क्या लगाया, जीएसटी, ठीक है. तो आप जब गुड सप्लाई करते हैं और सप्लाई करते टाइम पे आप कोई डिस्काउंट देते हैं और उस डिस्काउंट को इनवॉइस में मेंशन करते हैं, तो वो जो डिस्काउंट है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट जो आएगी उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है, क्लियर. डिस्काउंट इज शोन इन द इनवॉइस, यस, तो क्या कहा, डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर इनवॉइस में डिस्काउंट नहीं दिखाया है, तो मान लीजिए 100 रुपए का इनवॉइस बनाया और मैंने डिस्काउंट मेंशन ही नहीं किया अंदर 10 रुपए, तो जीएसटी किस पे लगेगा, 100 रुपए पे लगेगा, ठीक है, फाइन. ये हुआ डिस्काउंट्स गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई. अब देखते हैं डिस्काउंट्स गिवन आफ्टर द सप्लाई, ठीक है. तो मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविजन सेट्स, ठीक है, तो आपका एक होलसेलर है, उसके साथ आपका अग्रीमेंट है कि अगर वो 3 मंथ्स में मोर देन 1000 टेलीविजन सेट्स बेच देता है, ठीक है, पर टेलीविजन सेट का होलसेल प्राइस क्या है फ्रेंड्स, होलसेल प्राइस 25,000 रुपीज, ठीक है, पर टेलीविजन का होलसेल प्राइस है 25,000 रुपीज, मतलब 25,000 रुपीज में जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को, ठीक है, डीलर को क्या करता है, टेलीविजन सेट देता है और उसने कहा कि अगर तुम 3 महीने में 1000 टीवी से ज्यादा बेच दोगे तो तुमको मैं टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब 3 महीने में जितना भी तुमने टीवीज मुझसे परचेस की, किसने किससे परचेस की, डीलर ने मैन्युफैक्चरर से जितनी भी टीवी परचेस की 3 महीने में, अगर वो टीवीज 1000 से ज्यादा है तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर डीलर को 10% डिस्काउंट देगा, किस वैल्यू का, जितने उसने टेलीविजन सेट्स खरीदे होंगे. मान लीजिए होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से 3 महीने में 1000 टीवी खरीदे, ठीक है, तो एज पर अग्रीमेंट मैन्युफैक्चरर को होलसेलर को क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट 10%, किस अमाउंट का, 1000 टीवी का जो प्राइस था उसमें से 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल 1000 टीवी होलसेलर ने खरीदी, तो 1000 टीवी इंटू 25,000 विच कम्स टू 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, तो इसका 10% डिस्काउंट देगा कौन, देगा मैन्युफैक्चरर रिटेलर को, विच कम्स टू 25 लाख, तो नेट पेबल वैल्यू कितना हुआ, 2 करोड़ 25 लाख. अब फ्रेंड्स जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर से, मान लीजिए जब टीवी होलसेलर बाय करता है तभी क्या करता है, पेमेंट सेटल,
ठीक है, जैसे ही होलसेलर ने टीवी खरीदी मैन्युफैक्चरर से, तो उसको क्या कर देना पड़ता है, पेमेंट कर देना पड़ता है। तो इस केस में 2 करोड़ 50 लाख रुपीज होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। अब 25 लाख क्या आया डिस्काउंट, उसको 25 लाख डिस्काउंट चाहिए, तो वो कैसे अवेल करेगा? जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को क्या देगा, क्रेडिट नोट, ठीक है, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ले चुका है होलसेलर से। अब होलसेलर ने क्या किया, 1000 टीवी से ज्यादा बेच दिए, तो वो एलिजिबल हो गया 10% डिस्काउंट के लिए, ऑफ किसका, ऑफ सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू थी 2.5 करोड़ रुपए, उसका 10% कितना होता है, 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए का बेनिफिट होलसेलर को कैसे दे, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करेगा 2.5 करोड़ की, सॉरी 25 लाख की, ठीक है। अब इस केस में ये जो डिस्काउंट मिला उसको, दैट इज डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई, ठीक है। डिस्काउंट कब दिया, आफ्टर द सप्लाई, जब एज पर द अग्रीमेंट होलसेलर ने 1000 टीवी से ज्यादा बेच दिया। अगर 1000 टीवी से कम बेचता तो क्या उसको ये डिस्काउंट मिलता, उसको ये डिस्काउंट नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई, वो एलिजिबल है फॉर एक्सक्लूडिंग इट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब ये जो 25 लाख रुपए है इस पे GST नहीं लगेगा, इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एक्सक्लूड करेंगे मैं आपको सिखा रहा हूं, पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए टेलीविजन सेट्स बेचे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, ठीक है, और इस केस में दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं था, लेकिन 6 महीने में होलसेलर ने 25,000 टेलीविजन सेट्स बेच दिए, और इससे खुश होके मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, होलसेलर को बोला कि तुम्हारी नेक्स्ट परचेज पे तुमको 10 लाख रुपए डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि तुमने अभी तक मेरे 2500 टेलीविजन सेट्स बेच दिए, ठीक है। तो अभी तक जो तुमने बेचा मुझे उसका क्या मिलेगा तुम्हें, 10 लाख रुपीज डिस्काउंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, फाइन। तो इस केस में ये जो 10 लाख रुपीज है, दिस कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि इस केस में एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता ही नहीं था कि कोई डिस्काउंट देना है। तो जो आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देने वाले हो, दैट डिस्काउंट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे, मतलब जब आपने गुड सप्लाई किए, उस समय पे पता होना चाहिए कि अगर 1000 टीवी से ज्यादा बेचेगा या 2000 टीवी से ज्यादा बेचेगा एज पर द अग्रीमेंट, तो उसको क्या मिलेगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट शुड बी एज पर द अग्रीमेंट एंड इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तभी क्या कर सकते हैं हम डिस्काउंट को वैल्यू में से एक्सक्लूड कर सकते हैं। कौन से डिस्काउंट को, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को। लेकिन हमारा जो सेकेंड केस है ये वाला, इसमें जब टेलीविजन सेट सप्लाई कर रहा था मैन्युफैक्चरर, तब उसको भी और होलसेलर को भी नहीं पता था कि 10 लाख रुपए का क्रेडिट नोट यानी 10 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो 25,000 टेलीविजन सेट्स बेच देगा। तो इस तरीके का जो डिस्काउंट होता है, विच इज नॉट एज पर एग्रीमेंट एंड विच इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो इस तरीके का डिस्काउंट आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार रीड कर लेते प्रोविजन। सो क्या लिखा है, डिस्काउंट्स गिवन आफ्टर द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एन अग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई करते टाइम पे क्या था, अग्रीमेंट था, एंड दैट अग्रीमेंट कैन बी लिंक्ड टू इनवॉइसेस प्लस प्रोपोर्शनेट ITC इज रिवर्स। ये आपको समझाना बाकी है, पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, डिस्काउंट्स गिवन आफ्टर द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एन अग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब सप्लाई किया ना, उस टाइम पे क्या था, पता था कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मिलेगा अगर जो सेलर है आपका, होलसेलर है, वो सेल्स टारगेट अचीव करेगा। तो इस तरीके का डिस्काउंट क्या कर सकते हो आप, एक्सक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट ही नहीं है और सडन डिस्काउंट दिया, ठीक है, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उस तरीके का जो डिस्काउंट होता है उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब डिस्काउंट मिलेगा कैसे इस केस में, क्योंकि इस केस में तो क्या है, 2.5 करोड़ का पेमेंट हो चुका है। फर्स्ट वाले केस में 2.5 करोड़ का पेमेंट हो चुका है, तो अब डिस्काउंट कैसे मिलेगा होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर कैसे देगा, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा
25 लाख रुपए की। अब मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ले लेता हूं कि 25 लाख पे जीएसटी रेट कितना लगेगा, 5% लगेगा। तो 25 लाख का 5% कम्स टू 1,25,000, ठीक है। ये मिला डिस्काउंट विच इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया, होलसेलर को, जिसका जीएसटी अमाउंट बनता था 1,25,000। तो अब क्रेडिट नोट दिया मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, मतलब होलसेलर ने क्या किया, अपना सेल्स कम किया। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट इश्यू किया मैन्युफैक्चरर ने, मतलब उसका सेल्स कम हो गया, ठीक है। अब सेल वैल्यू कम हो गया तो उसने जो 2,50,00,000 पे जो गवर्नमेंट को टैक्स भरा था वो टैक्स भी कम होना चाहिए, क्योंकि उसका एक्चुअल सेल तो कितना है, 2,25,00,000। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, उसने टैक्स कितने पे भरा था गवर्नमेंट को, 2,50,00,000 पे, क्योंकि उसका सेल था। फिर उसने क्या किया, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया, जिसके बाद उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 2,25,00,000। 25 लाख तो क्या हो गया, डिस्काउंट। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, 2,25,00,000। तो गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे जाना चाहिए, 2,25,00,000 पे, लेकिन गया कितने पे है, 2,50,00,000 पे। तो ये 1,25,000 गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स गया है, किसने भरा है, सप्लायर ने। तो क्रेडिट नोट इशू करेगा तो इतना टैक्स उसका क्या हो जाएगा, उसको नेक्स्ट जो रिटर्न वो भरेगा उसमें उसको 1,25,000 का टैक्स कम पे करना पड़ेगा, पे लेस बाय 1,25,000। ठीक है, टैक्स अमाउंट क्या करेगा, वो 1,25,000 से कम भरेगा नेक्स्ट रिटर्न में, क्योंकि उसने क्या किया, क्रेडिट नोट इश्यू किया। अब जो रेसिपिएंट है उसने जब 2.5 करोड़ की परचेस की, तो 2.5 करोड़ की परचेस पे उसने गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे किया, मतलब मैं होलसेलर हूं, मैंने 2.5 करोड़ का टेलीविजन सेट परचेस किया, तो 2.5 करोड़ पे 5% जीएसटी लगा होगा। 5% आई एम टेकिंग फॉर सिंप्लिसिटी, जीएसटी रेट इज हायर ऑन टेलीविजन, 5% नहीं लगता है, ज्यादा लगता है, ठीक है। तो 2.5 करोड़ पे 5% मैंने किसको दिया होगा, सप्लायर को, सप्लायर ने किसको दिया होगा, गवर्नमेंट को। तो उस 5% की, 2.5 करोड़ का 5% विच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 1,50,000, वो 1,50,000 मैंने ITC लिया होगा, ठीक है, कितना ITC लिया होगा, 1,50,000, लेकिन इसमें से 10% मुझे क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया, मतलब मैंने एक्चुअल कितने का गुड्स खरीदा था, 2,50,00,000, लेकिन वो कितने का हो गया, 2,25,00,000 का, क्योंकि 10% क्या मिल गया, डिस्काउंट, विच वॉज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो जो 1,25,000 का ITC है, जो मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले रखा होगा, है ना, 12,50,000 का लिया, उसमें से 1,25,000 जो होगा मेरे ECL में, उसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा, मतलब वो ITC में नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने परचेस तो कितने की, कि 2,25,00,000 की, है ना, 25 लाख क्या मिला मुझे, डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट है वो आपको पैसा वापस आ गया। तो डिस्काउंट से रिलेटेड जो टैक्स आपने पे किया था, है ना, वो क्या करना पड़ेगा आपको, ITC उसका रिवर्स करना पड़ेगा, आप उसका ITC नहीं ले सकते, क्योंकि ये पैसा आपको आपका जो होलसेलर होगा वो वापस दे चुका होगा, सॉरी आपका जो मैन्युफैक्चरर होगा वो वापस दे चुका होगा। आप कौन हो, होलसेलर, मतलब जो क्रेडिट नोट इशू किया होगा आपके मैन्युफैक्चरर ने, मैन्युफैक्चरर ने जो क्रेडिट नोट इशू किया होगा उसका वैल्यू होगा 2,50,00,000 का 10%, मतलब 25 लाख रुपए प्लस 1,25,000 जीएसटी, विच कम्स टू, इट इज 2 लाख, 25 लाख है, ठीक है, 25 लाख, सो इट कम्स टू 26,25,000, ठीक है, इतने का क्रेडिट नोट आया होगा, जिसमें से 1,25,000 सप्लायर क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ में कम पे करेगा, उसका आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा नेक्स्ट मंथ का, कम, सप्लायर्स आउटपुट टैक्स रिड्यूसेस, क्रेडिट नोट इश्यू करने पे सप्लायर का आउटपुट टैक्स कम होता है, एंड रेसिपिएंट हैज टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब सप्लायर को इतना टैक्स कम भरना पड़ेगा,
और रेसिपिएंट की इतनी आईटीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ वो क्या हुआ था, शुरू से समझते हैं। 2.5 करोड़ का टेलीविजन सेट बिक गया, किसने बेचा? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा। ठीक है, 2.5 करोड़ पे लगा होगा, मान लेते हैं 5% जीएसटी लगा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग 5%, जो कितना होता है 12,50,000 रुपए। ठीक है, तो ये आएगा 2,62,52,000। फाइन, अब ये जो 2,62,52,000 है, ये होलसेलर ने किसको पे कर दिया होगा? मैन्युफैक्चरर को। ये था ट्रांजैक्शन। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, होलसेलर को डिस्काउंट दिया और उसने क्या इशू किया, क्रेडिट नोट। ठीक है, ये क्या है, सेल्स इनवॉइस, ये क्या है, क्रेडिट नोट। क्यों क्रेडिट नोट इशू किया? क्योंकि एज पर सेल्स एग्रीमेंट 1,000 टीवी से अगर ज्यादा बेचता है होलसेलर तो मैन्युफैक्चरर उसको क्या देगा, डिस्काउंट देगा, 10% डिस्काउंट देगा। तो क्रेडिट नोट कितने का बनेगा, 2,50,00,000 की सेल, 10% डिस्काउंट, मतलब 25 लाख का क्या बनेगा, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट बनाया मतलब पैसा वापस दिया। अब पैसा जब लिया तो टैक्स के साथ लिया, तो वापस भी टैक्स के साथ देंगे। ठीक है, तो जीएसटी कितने का आएगा इसमें, 1,25,000, तो क्रेडिट नोट बनेगा 26,25,000 का। अब जब सेल्स इनवॉइस होता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है कि बायर क्या करेगा, आईटीसी ले लेगा इसकी, मतलब 12,50,000 को कहां ले जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और सप्लायर क्या करेगा, इसको गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये सेल्स इनवॉइस के टाइम पे होता है। जब क्रेडिट नोट इशू हुआ तो क्या हुआ, सप्लायर का मतलब मैन्युफैक्चरर का क्या हो गया, सेल कम हो गया। सेल कम हुआ तो मतलब जो पहले टैक्स ज्यादा भरा था 12,50,000, उसका क्या हुआ, 10% पोर्शन रिवर्स हो गया, मतलब 1,25,000 का जो टैक्स था वो ज्यादा भरा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अब जो नेक्स्ट रिटर्न भरो ना तुम, तो इतना टैक्स कम पे करना, पे आउटपुट टैक्स लेस बाय 1,25,000। ये कौन करेगा, सप्लायर। रेसिपिएंट को क्या करना है, रेसिपिएंट को क्या करना है, रिवर्स आईटीसी बाय 1,25,000, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी है उसको 1,25,000 से कम करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट मंथ जो रिटर्न भरेगा उसमें मान लीजिए उसकी आईटीसी बनती है 3,00,000 रुपए, तो वो 3,00,000 रुपए पूरी आईटीसी नहीं लेगा, क्योंकि 1,25,000 तो उसको क्या करना है, रिवर्स। तो कितने की लेगा वो, 3 लाख माइनस 1,25,000, दैट कम्स टू 1,75,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? फाइन, एक आध बार आप इसको रिवाइज करेंगे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो क्या कंसेप्ट है, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई प्लस शोन इन द इनवॉइस, तो क्या मिलेगा, डिस्काउंट्स अलाउड, दैट इज डिस्काउंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट इफ डिस्काउंट्स गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई नॉट शोन इन द इनवॉइस, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट इज टू बी एक्सक्लूडेड, सॉरी इंक्लूडेड फ्रॉम इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया तो क्या होगा, इनवॉइस में अगर शो किया होगा तो एक्सक्लूड, एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया इनवॉइस में शो नहीं किया तो क्या होगा, इंक्लूड। इंक्लूड करना मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। एक्सक्लूड किया मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई घटेगा और टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिस्काउंट्स गिवन आफ्टर द सप्लाई, आफ्टर द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, एग्रीमेंट के जरिए क्या पता पड़ता है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इन्वॉल्व है, अगर एग्रीमेंट की टर्म्स को सेटिस्फाई किया तो ऐसे डिस्काउंट मिलेंगे, मिलेंगे। अगर अग्रीमेंट नहीं है फिर भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया तो वैसा सप्लाई आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मतलब माइनस नहीं कर सकते, तो वैसे सप्लाई का क्या होगा, वैसे सप्लाई पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? फाइन, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दस फॉर अ कार्टन ऑफ स्पाइस बिस्क इन द इनवॉइस द लिस्ट प्राइस इज मेंशनड एज 200, ऑन विच अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन टू अराइव एट द फाइनल प्राइस ऑफ 140, द वैल्यू इज 140 एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस। क्या हुआ है,
दिस इज अ केस ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हो आप, डिस्काउंट दे रहे हो एट द टाइम ऑफ सप्लाई और वो डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशनड है, तो टैक्स कितने पे लगेगा, 200 पे लगेगा कि 140 पे लगेगा, ऑब्वियसली 140 पे लगेगा, ठीक है। अग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ इट्स डीलर्स इज दैट परचेज ऑफ राइस कुकर्स ओवर 1000 पीसेस इन द दिवाली मंथ विल एंटाइटल देम टू डिस्काउंट ऑफ 5% पर कुकर। क्या बोला है, परचेज ऑफ कुकर्स ओवर 1000 पीसेस, अगर 1000 से ज्यादा कुकर खरीदे, ठीक है, किसने, डीलर्स ने, किसके डीलर्स ने, राजू इलेक्ट्रिकल के डीलर्स ने, तो क्या होगा, उनको 5% पर कुकर क्या मिलेगा, डिस्काउंट। देयरफॉर द क्वांटम ऑफ डिस्काउंट कैन बी डिटरमाइंड ओनली एट द एंड ऑफ दिवाली मंथ, दिवाली खत्म होगी उसके बाद ही पता पड़ेगा कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, है ना। हाउएवर सिंस द अग्रीमेंट रिलेटिंग टू द डिस्काउंट वॉज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड द डिस्काउंट कैन बी वर्कड आउट फॉर ईच इनवॉइस will be allowed as a deduction from the value of supply of rice cookers. क्या बोला है, ये जो supply है ये post supply discount है, लेकिन it is known at the time of supply, क्योंकि agreement है, जो कि क्या कहता है, दिवाली month में अगर 1000 से ज्यादा कुकर बेचे dealers ने, तो उनको क्या मिलेगा, 5% पर कुकर discount मिलेगा। तो इस तरीके का जो post supply discount है, which is known at the time of agreement, उसका क्या होगा, उसको आप exclude कर सकते हो value of supply ऐसे, ठीक है। राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन इशू क्रेडिट नोट फॉर 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद जीएसटी एंड क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस टैक्स पेड। क्या बोला, इनवॉइस इशू कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा डिस्काउंट देने के लिए। तो राजू इलेक्ट्रिकल ने मान लीजिए 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपीज का क्या किया, इनवॉइस इशू किया, अब उसको क्या करना है, 5,000 रुपीज का डिस्काउंट देना है, बिकॉज 5% क्या देना है डिस्काउंट, तो 5,000 रुपीज का क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट नोट की एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मतलब सेल्स को क्या किया आपने, डेबिट किया, मतलब सेल्स को क्या किया, रिड्यूस, है ना, डेटर्स को क्या किया, रिड्यूस, फाइन। तो अब आपका नेट सेल कितना हुआ, मान लीजिए यहां पे 1,00,000 था और यहां पे 5,000 क्या किया आपने, डेबिट, तो आपका नेट सेल कितना हुआ, 95,000, 1,00,000 माइनस 5,000, है ना। तो टैक्स कितने पे लगना चाहिए, 95,000 पे लगना चाहिए, लेकिन आप गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे कर चुके हो, 1,00,000 पे, क्योंकि 1,00,000 का क्या इशू कर दिया था, इनवॉइस, और इनवॉइस इशू करने पे क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई होता है, तो हमने पढ़ा था क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये आपने टैक्स पे कर दिया था 1,00,000 पे, मान लीजिए 5%, कितना टैक्स पे किया था, 5,000 रुपीज। तो अब आपको क्या करना है, 95,000 पे टैक्स पे करना है, पे कितने पे हो गया, 1,00,000 पे, तो 5,000 रुपीज का क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट, जिसका 5% होता है 250 रुपीज, ठीक है। तो नेट टैक्स कितना पे करना है, 5,000 माइनस 250, दैट कम्स टू 4,750, टैक्स कितना पे किया था, 5,000, अब हमने क्या इशू किया, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट से क्या होता है, हमारा सेल्स कम, सेल्स कम हुआ तो टैक्स के पे कम करना पड़ेगा, कितने से कम पे करना पड़ेगा, 250 रुपीज से, कितना पे कर दिया, 5,000 रुपीज, पे कितना करना था, 5,000 माइनस 250, 4,750। तो नेक्स्ट जो आप रिटर्न भरोगे उसमें क्या करोगे, आपका आउटपुट टैक्स आता है मानिए 5,000 रुपए, ठीक है, या 10,000 रुपए नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में, तो उसमें से आप 250 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि ये क्या है, आपने क्या दिया, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, जिसकी वजह से आपने गवर्नमेंट को पहले ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, तो अब क्या करोगे, जो नेक्स्ट जो आपका टैक्स पे करने आएगा उसमें से इतना अमाउंट रिड्यूस करके गवर्नमेंट को बाकी का अमाउंट पे कर दोगे, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में आया 10,000, तो 250 रुपए माइनस करके 9,750 रुपए आप कस्टमर को, सॉरी गवर्नमेंट को पे कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या वर्क करता है, क्रेडिट नोट। अब हमने गवर्नमेंट को टैक्स कम पे किया, तो रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, उसने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितने की क्रेडिट ले ली होगी, 5,000 की, लेनी कितनी चाहिए थी उसको, 4,750 की, क्यों, उसको 5,000 रुपए तो आपने वापस कर दिया ना, डिस्काउंट दिया, क्रेडिट नोट दिया, फाइन। तो 5,000 रुपए पे जो 5% है, दैट इज 250, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, किसको, रेसिपिएंट को,
5,000 रुपये, सॉरी 250 रुपीज, क्या करना पड़ेगा उसको, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे होगा, मान लीजिए उसका नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट बनता है 6,000 रुपये, ठीक है, तो 6,000 रुपये का उसका क्रेडिट बनता है जो उसका नेक्स्ट उसको रिटर्न भरना है उस पीरियड का। तो वो क्या करेगा, 6,000 का क्रेडिट नहीं लेगा, क्योंकि वो ECL में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ऑलरेडी 250 रुपये की एक्सेस क्रेडिट ले चुका है, ज्यादा ले चुका है। तो वो 6,000 में से 250 माइनस करेगा और 5,750 की अमाउंट का क्या ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फाइन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पिंक एंड ब्लू सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज ऑन 15 जन एट 50,000। 50,000 के गुड्स बेचे पिंक एंड ब्लू ने ऑरेंज को, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स, जिसमें टैक्स और डिस्काउंट एक्सक्लूड किया हुआ था, ठीक है, उसमें टैक्स भी इंक्लूड नहीं है और डिस्काउंट भी नहीं है। तो 50,000 क्या है, बेसिक वैल्यू, एंड चार्ज 9,000 एज GST। 50,000 पे GST लगाया 9,000 रुपीज, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया, 59,000 रुपीज। टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टिप्यूलेटेड दैट डिस्काउंट एट 2% विल बी गिवन टू OPL इफ इट मेक्स द पेमेंट विद इन 1 month ऑफ द सप्लाई। 2% डिस्काउंट देंगे अगर एक महीने में पेमेंट कर दिया तो। किसने, ऑरेंज ने, किसको पेमेंट कर दिया, पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड को। OPL अवेल्स द ITC ऑफ 9,000। ऑब्वियसली OPL मतलब ऑरेंज जो है, ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या करेगा, ITC ले लेगा। 50,000 का इनवॉइस आया, 9,000 उसमें क्या था, GST, तो वो 9,000 का क्रेडिट ले लेगा, है ना, इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में उसने क्रेडिट ले लिया। एंड मेक्स द पेमेंट फॉर द गुड्स ऑन 10th Feb, 10th Feb को क्या किया, उसने पेमेंट कर दिया। तो क्या पेमेंट विद इन 1 month किया, किया, गुड्स सप्लाई हुए थे 15 जनवरी को, पेमेंट किया 10 Feb को, तो विद इन 1 month पेमेंट कर दिया, तो ही इज एलिजिबल फॉर 2% डिस्काउंट, मतलब 5,000 का 2%, ठीक है, विच कम्स टू, सॉरी 50,000 का 2% विच कम्स टू 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज क्या मिलेगा उसको, डिस्काउंट मिलेगा। तो 50,000 पे उसने 9,000 की ITC ले ली, लेकिन 1,000 रुपये तो उसको वापस मिल गए, तो 1,000 का 18%, मतलब 180 रुपये की जो क्रेडिट है उसको रिवर्स करनी पड़ेगी। तो 9,000 की क्रेडिट ले ली, लेकिन अब नेक्स्ट मंथ में क्या करेगा, 180 की क्रेडिट वो रिवर्स करेगा, क्योंकि 1,000 का क्या मिल गया उसको, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, रीड कर लेते हैं। PBPL issues credit note for 1180, 1,000 for value of discount and 180 for IGST. 1,000 रुपये क्या किए उसने, क्रेडिट नोट इशू किए, किसने, सप्लायर ने, क्यों, क्योंकि विद इन 1 month क्या कर दिया था उसने, पेमेंट, ठीक है, तो 1,000 रुपये का क्या दिया, क्रेडिट नोट, 1,000 इज द बेसिक वैल्यू, 18% टैक्स विच कम्स टू 1180। टू OPL ऑन 11th Feb, आफ्टर रिसीविंग द क्रेडिट नोट, OPL reverses the input tax credit of 180। OPL क्या करेगा, 180 रुपए की क्रेडिट रिवर्स कर देगा, मतलब उसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अगर अभी 9,000 है और तो नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में क्या करेगा वो 180 क्या करेगा, माइनस कर देगा। किसमें से माइनस करेगा, मान लीजिए उसने फेब में कुछ खरीदे गुड्स जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए और उस पर उसने 18% टैक्स भरा, तो उसकी क्रेडिट कितनी बनती है फेब मंथ की, 1,800 रुपीज। तो वो 1800 की क्रेडिट नहीं लेगा, वो 1800 में से 180 माइनस कर देगा, क्योंकि 180 की वो ऑलरेडी एक्सेस क्रेडिट ले चुका है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो फेब के रिटर्न में क्या करेगा वो, 180 माइनस करेगा, दैट इज 1800 माइनस 180, और बाकी की जो क्रेडिट बचती है 1620 वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लेगा। ठीक है, सो OPL रिवर्सेज द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 180 अट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट गिवन बाय PBPL। PBPL can reduce its GST liability of the month of February by 180। ठीक है, PBPL क्या कर सकता है, अपनी GST liability for the month of Feb reduce कर सकता है 180 रुपीस से। ठीक है, वो तो सिंपल है, 50,000 पे 9,000 भरा था, 1,000 रुपए तो वापस दे दिए, तो 1,000 रुपए वापस दे दिए तो उसका टैक्स भी कम करना पड़ेगा ना, तो वो नेक्स्ट मंथ में 180 रुपए टैक्स कम भरेगा, मतलब जो आउटपुट टैक्स आएगा नेक्स्ट मंथ का उसमें से 180 माइनस करके बाकी का टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, OPL वुड हैव पेड 57,820, दैट इज 5,000
प्लस 9000 माइनस 1000 माइनस 180 टू पीवीपीएल ऑन 10th फेब। 10th फेब को जो पेमेंट किया उसमें कितना पे किया होगा, 50,000 में से मैं डिस्काउंट अगर माइनस कर दूं 49,000, तो 49,000 प्लस 18% अगर आप करेंगे तो दैट वुड कम टू 57,820। उतना क्या पे किया होगा उसने, ऑरेंज ने पिंक एंड ब्लू को पे किया होगा 10th फेब को। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। इन द अबव एग्जांपल, इफ द टर्म्स ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, क्या बोला है? अगर ऊपर वाला जो एग्जांपल है पिंक एंड ब्लू वाला, उसमें जो टर्म्स ऑफ डिस्काउंट है, जो टर्म्स है सेल्स के जो अग्रीमेंट है, उसमें डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है ना। टर्म्स ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 1 month, बट पीबीपीएल ऑफर सच डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, देन द डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड एज अ रिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या बोला है, अगर सेल्स करते टाइम पे कोई अग्रीमेंट नहीं होता कि विद इन 1 month कर दिया तो 2% ऑफ ले लेना है ना, 2% डिस्काउंट ले लेना, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होता सेल करते टाइम पे, और बाद में अचानक से पिंक ने क्या किया, पेमेंट जब आया तब क्या बोला, 2% माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का जो होता है विदाउट अग्रीमेंट, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता ही नहीं है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा, इस तरीके के जो अग्रीमेंट्स होते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अलाउ नहीं होता है। मतलब 50,000 पे जो 18% भरा 9,000 वही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, 180 ना ही सप्लायर रिड्यूस कर सकता है और ना ही रेसिपिएंट को 180 की ITC रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है ना। तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई वी शुड नो कि इस तरीके का कोई डिस्काउंट इन सेल अग्रीमेंट है। ठीक है, PBPL will issue a commercial credit note for only the value of discount, that is for 1000, and OPL will not reverse any input tax credit, and PBPL will also not be able to reduce its GST liability for the month of Feb. क्या बोला है, ना ही supplier अपनी output liability reduce कर सकता है और ना ही recipient अपना ITC reverse करेगा, क्योंकि इस केस में post supply discount allowed ही नहीं होगा। लेकिन पोस्ट सप्लायर डिस्काउंट तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन क्या सप्लायर रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट भी इशू नहीं कर सकता है? क्रेडिट नोट तो इशू कर सकता है, क्योंकि वो सप्लायर और रेसिपिएंट के आपस का मामला है ना। सप्लायर रेसिपिएंट को बोलेगा कि 1,000 रुपए कम देना, तो वो 1,000 रुपए कम देगा, डिस्काउंट दे दिया सप्लायर ने रेसिपिएंट को, लेकिन उसका जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। लॉ हमको पढ़ाता है टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में, कि जो डिस्काउंट दिया उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड एक्सक्लूड कब पता पड़ेगा, जब एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो डिस्काउंट क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। टाइम ऑफ डिस्काउंट, एट द टाइम ऑफ सप्लाई उस डिस्काउंट के बारे में अगर कुछ नहीं बताया है तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इशू हो सकता है, जिसमें सपोज पिंक जो सप्लायर है उसने ऑरेंज को कहा कि 1,000 रुपए कम पे करना, एट द टाइम ऑफ पेमेंट बोल दिया, तो वो चलेगा, लेकिन उसका कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगा। ना ही जो बायर है वो अपना ITC रिवर्स कर पाएगा और ना ही सप्लायर अपना आउटपुट टैक्स रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिसीविंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। टर्नओवर डिस्काउंट कंपनी ने अनाउंस किया, लेकिन कब, आफ्टर रिव्यूइंग द डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। डीलर है, उनके परफॉर्मेंस रिव्यू किया और उसके क्या, उसके बाद क्या अनाउंस किया, टर्नओवर डिस्काउंट्स, कि जिसने जितना ज्यादा टर्नओवर किया उसको उतना डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन डिस्काउंट कब अनाउंस किया, आफ्टर रिव्यूइंग द डीलर्स परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, मतलब जो सप्लाई हो चुके हैं उनका डिस्काउंट अनाउंस किया है। तो क्या इस केस में डिस्काउंट अलाउड होगा, टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है विच वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। The discounts are based on performance slabs and are given as cashback. ठीक है, as these discounts were not known at the time of supply of goods, they will not be deducted from the value of those goods. Value of goods में से deduct नहीं कर सकते, hence the company will not be able to adjust excess tax paid from its tax liability. कंपनी टैक्स को एडजस्ट नहीं कर पाएगी और जितना टैक्स बना इनवॉइस पे उतना ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट इशू करोगे तो भी आप टैक्स रिड्यूस नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की जो कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? फाइन। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, और उसके साथ क्या सॉल्व करेंगे, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर की। ठीक है,